कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है भाई? ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने आपको शुरू में भी एक फिलोसफी समझाई थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी। तो उसमें क्या है कि आपने एक नॉलेज ली, ठीक है, और दूसरी नॉलेज क्या होती है, उस पहले वाली नॉलेज के ऊपर एड ऑन होती है, फ्रेश नहीं होती है कभी भी। नो नॉलेज इज फ्रेश, एवरी नॉलेज इज अ टॉपिंग ओवर द प्रीवियस नॉलेज। बात समझ में आई? यानी कि आपने जैसे 12वीं क्लास में आप हो गए, तो आपने 11th में जो सीखा है ना, 10th में जो सीखा, मान लो 10th में ये सीखा, फिर आपने 11th में सीखा, फिर आपने 12वीं में सीखा, तो जो 12वीं में नई नॉलेज जो आपकी आई है ना, वो इसका एड ऑन है, 10वीं की नॉलेज का, 11वीं की नॉलेज का एड ऑन है, तभी जाके 12वीं की नॉलेज को आप सीख पाए हो। सच भी है भाई, हम पुरानी नॉलेज पे ही तो नई नॉलेज को क्या करते रहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, तो जो चौथा माला नया बनेगा, बनेगा तो वो तीन पे ही, पुराने तीन पे ही बनेगा, अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो सच बात है, हमारी जो नॉलेज है वो किस प्रकार से एक्वायर होती है, पुरानी नॉलेज पे कंस्ट्रक्ट होती रहती है। दिस इज हाउ वी लर्न, इस प्रकार से हम सीखते हैं। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला भी याद किया था, है ना, पियाजी कंस्ट्रक्शन का काम करते करते बर्न हो गए, है ना। तो किसका नाम यहां पे याद किया था हमने, ब्रूनर का नाम याद किया था, बर्नर बोल करके, ठीक है। गीता जी ने कहा था कि बर्नर पे पियाजे जल गई है ना, कंस्ट्रक्शन पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ बोला था। चलिए, तो ब्रूनर, ठीक है भाई, ओके। क्या गैस के बर्नर पे प्याजे जल गई, ठीक है। तो कुल मिला के बात वही है, यहाँ पे इसके जो एडवोकेट हैं, जो इसको प्रोपेगेट करने वाले व्यक्ति हैं, वो कौन है, जे ब्रूनर, ठीक है। और जे ब्रूनर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, इन्होंने एक मेथड भी इसके द्वारा डेवलप किया है ना, लर्निंग का एक तरीका इन्होंने डेवलप किया, जिसको कहते हैं आप डिस्कवरी लर्निंग। सो इन्होंने मतलब अपनी एक थियरी दी जिसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। सो डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, वो ये कहते हैं कि आपकी जो इंट्यूशंस है, आपका जो एटीट्यूड है, या जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो आपका ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस है, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो आपकी है, यानी कि नॉलेज, इंट्यूशन, इमेजिनेशन और आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसके द्वारा ही आप क्या करते हो, नई नॉलेज को एक्वायर कर पाते हो, सीख पाते हो, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, आपकी इंट्यूशंस जो है, अब इंट्यूशन क्या होती है भाई, इंट्यूशन हमेशा किस पे बेस्ड होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। आपको कोई भी आभास होता है तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी उस स्टेज से निकल चुके हो, इसलिए आपको आभास है, ठीक है। आप रास्ते में चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आपको आभास हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है, क्यों आभास हुआ, क्योंकि ये आभास आपको कभी पहले भी हुआ था, इसलिए आपको इंट्यूशन आ रही है, राइट। सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि आपको इंट्यूशन मतलब पता लग जाती है। इंट्यूशन कब स्ट्रांग होने लगती है, आपकी एक्सपीरियंस के साथ, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी इंट्यूशन उतनी ही स्ट्रांग और उतनी ही सच्ची होती जाएगी, ठीक है। सो डिस्कवरी मेथड में क्या बोलता है ये, कि इमेजिनेशन, इंट्यूशन, आपका एटीट्यूड, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, वो लर्निंग को और भी स्ट्रोंग कर देता है। डिस्कवरी लर्निंग यानी कि आप नई चीजों को भी क्रिएटिविटी से और इन सब चीजों से डिस्कवर कर लेते हो, दैट इज व्हाट डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोपगेटेड बाय जे ब्रूनर, ठीक है भाई, क्लियर।